कि आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कट ऑफ कितनी गई है। लेट्स से अगर मैं डीयू के मिरांडा हाउस की बात करूं तो आपको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है। हेलो एवरीवन, आई एम निकिता सारस्वत, करियर साइकोलॉजिस्ट एट टॉपर्स एकेडमी। आज आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है जो भी सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं। जैसे कि उन्हें पता है कि आपका जब हम सीयूटी का एग्जाम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके साथ साथ आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो आपका एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल रिलीज हुआ है उसी के रिगार्डिंग कि आपका जितने भी काउंसलिंग होगी वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होगी। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम देखेंगे तो आपका CUT-UG कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइकली टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट ईयर। तो आपके जो UGC के चीफ है जगदेश कुमार, उनके थ्रू एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है कि आपका, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना होता है, जैसे अगर आप DU में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको DU के लिए अलग से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, DHU में करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी एक और चीज जो है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कट ऑफ कितनी गई है। लेट्स से अगर मैं DU के मिरांडा हाउस की बात करूं तो आपको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए और ताकि बच्चों की अलग अलग फीस ना जाए, अगर आप एक काउंसलिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको लेट्स से कि 500 एक पे करने पड़ रहे हैं, दूसरे वाले में आपको 500 अलग पे करने पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका एक कॉमन फीस जाएगी तो आपकी फीस बचेगी। दूसरा क्या होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आपको जितनी भी सीट्स है वेकेंट वो सारी दिखेंगी और कट ऑफ भी आपको शो होगी। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू।